आज के टाइम पर मूवीज का क्रेज हर किसी पर है और हर किसी का मूवीज का टेस्ट अलग अलग होता है और हर कोई अलग अलग टाइप की मूवीज देखना चाहता है। लेकिन कुछ ऐसी भी मूवीज होती है जिसे देखने के बाद हम उन मूवीज को सिर्फ मूवीज की तरह ही याद नहीं रखते। कुछ मूवीज ऐसी भी होती है जो बिल्कुल डीप डाउन हार्ट इमोशनली कनेक्ट हो जाती है और उन चुनिंदा मूवीज को हम बहुत सालों बाद भी कहीं ना कहीं अपने दिल में जगह बना कर रखते हैं। आज आपके लिए ऐसे ही मूवीज लाया हूँ जो सीधे आपके दिल में कनेक्ट करेंगी और आपको ये मूवीज एटलीस्ट एक बार अपनी लाइफ में तो देखनी ही चाहिए। आज की लिस्ट में कोई भी मूवी रैंक नहीं है तो आप कोई भी मूवी देख सकते हैं। सारे के सारे मूवीज इतने अच्छे हैं कि आप इन मूवीज को कभी नहीं भूल पाएंगे। हमारी लिस्ट की पहली मूवी है ZNMD या जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। वो बोलते हैं कि ऐसी मूवी ना बनेगी दोबारा। जोया अख्तर की डायरेक्टेड ये मूवी आपको उठकर अपने दोस्तों के साथ रोड ट्रिप पर जाने पर मजबूर कर देगी। और तो और जोया अख्तर को इस मूवी की वजह से अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्टर फिल्म फेयर अवार्ड में मिल चुकी है। तीन दोस्त कॉलेज के टाइम एक लाइफ की एडवेंचरस रोड ट्रिप प्लान करते हैं और उसके कुछ साल बाद एक दोस्त की शादी से पहले बैचलर पार्टी मनाने के लिए वो तीन दोस्त यूरोप में वही रोड ट्रिप पर जाते हैं। तीनों की ही अलग अलग लाइफ की प्रॉब्लम्स होती है जिससे उलझ कर वो तीनों इस रोड ट्रिप पर ऐसी चीजें एक्सपीरियंस करते हैं जैसे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। आप धीरे धीरे हर एक मोमेंट एंजॉय करने लगते हो इस मूवी की और ये 2 घंटे आपके कैसे निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ये 2 घंटों में आप स्कूबा डाइविंग, स्काई डाइविंग और ऐसे ऐसे एडवेंचरस मोमेंट्स एंजॉय करोगे जैसे आप उस मूवी का ही एक हिस्सा हो। हम में से हर किसी को अपनी लाइफ की प्रॉब्लम साइड करके हर एक पल लाइफ का जीना चाहिए, ये मूवी से हमें वही महसूस होता है। ऋतिक रोशन, फरहान अख्तर, अवे देओल और कटरीना कैफ की A1 परफॉर्मेंस ये मूवीज देखने पर आपको रिग्रेट होने नहीं देती। मैंने ये मूवी कई दफा देखी है और आपको भी एक बार ये मूवी डेफिनेटली देखनी चाहिए। तुम्हारा नाम क्या है? लैला। दोस्त मुझे मजनू बुलाते। इस लिस्ट की सेकंड नंबर मूवी है हर। इस भीड़ भाड़ और सेल्फीज वाली बिजी दुनिया में कोई किसी के लिए टाइम नहीं होता और कभी कभी इंसान बहुत अकेला सा महसूस करने लगता है। वहीं अगर एक AI असिस्टेंट या बेसिकली एक कंप्यूटर आपकी दोस्त बन जाए जिसकी फिजिकल बॉडी तो नहीं है लेकिन उस कंप्यूटर के भी इमोशंस हो, जो आपके साथ हर वक्त रहे, आपके सारे नीड्स पूरी करे और तो और आपसे प्यार करने लगे, ऐसी अनोखी कॉन्सेप्ट पे बनी हुई मूवी है ये। जोकिन फियोनिक्स, जिन्होंने जोकर मूवी में जबरदस्त एक्टिंग परफॉर्मेंस देकर ऑस्कर अवार्ड जीत लिया, उन्होंने यहाँ इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है ना इस मूवी में जो आपकी दिल जीत ले। हर कोई बिजी अपने लाइफ से और ऊपर से ब्रेकअप, लेकिन ये कंप्यूटर असिस्टेंट उनकी जिंदगी में आकर उनको जिंदगी जीना सिखा देती है। कई दिनों तक इस मूवी का असर आपके दिल और दिमाग से नहीं जाएगा, सो डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। I want to learn everything about everything. I love the way you look at the world. Love, don't cry. How long before you're ready to date? Oh my God. ये मूवी के बारे में आप क्या बताऊं? ये एक ऐसी मूवी है जो पूरा मूवी खत्म होने तक आपको ये फील करवाते रहती है कोई इंसान कभी किसी से कम नहीं होता और कुछ भी कर सकता है अपनी जिंदगी में। डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, ये मूवी भी कुछ ऐसी ही है जहां टॉम हैंक्स का जो कैरेक्टर होता है वो लिटरली कुछ भी कर सकता है, मतलब कि इस मूवी में कुछ भी कर सकता है। ये मूवी एक तरह से बहुत फनी भी है जहां ऐसे फनी सीन्स आते हैं जिसे देखकर आपका पेट दर्द करने लगेगा। मैराथन रनर, आर्मी मैन, फुटबॉल प्लेयर, मेडल ऑफ ऑनर, मछुआरा, मतलब क्या कुछ नहीं किया इसने इस मूवी में। आपको मूवी के वक्त और मूवी देखने के तुरंत बाद आप अपने अंदर फील करने लगते हो कि आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो, बस पैशन और जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। बहुत ही ऑसम मूवी है तो एक बार तो जरूर देखिए। My mama always said life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. इस लिस्ट की एक और लाजवाब मूवी है इंटरस्टेलर, डायरेक्टेड बाय क्रिस्टोफर नोलन। अगर आप एक स्पेस जॉनर मूवी लवर हो और आपको स्पेस से रिलेटेड मूवी पसंद है और आपने इंटरस्टेलर नहीं देखा तो क्या देखा यार। स्टोरी कुछ ऐसी है कि फ्यूचर में अर्थ पर खाने की कमी पड़ जाती है और कैसे इंसान इससे जूझने के लिए स्पेस ट्रेवल करता है, ये मूवी इसके बारे में है। ये सिर्फ स्पेस ट्रेवल ही नहीं, इसमें टाइम ट्रेवल का अहम रोल है जो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर बेस्ड है। आपको शायद पता ना हो ब्लैक होल के अंदर जाने के बाद इंसान का क्या हाल होता है, लेकिन यहाँ भी वो चीज ऐसे दिखाई गई है जो दिल की धड़कनें रोक दे। और तो और इंटरस्टेलर स्पेस में एक दिन धरती के कई साल होते हैं और इसका जो कैरेक्टर है वो बचपन में उसकी
बेटी को छोड़कर स्पेस ट्रेवल करता है और वापस लौटने के बाद उसकी बेटी बुढ़ी हो जाती है। इस टाइप की इंटेंस टाइम ट्रेवलिंग दिखाई गई है इस मूवी में। इस मूवी के डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन है, जो इनके बेस्ट क्लास डायरेक्शन के लिए जाने जाते हैं, और इस मूवी को एकेडमी अवार्ड्स फॉर बेस्ट विजुअल्स भी मिल चुकी है। सो ये मूवी आपका माइंड फक कर देगी इन टर्म्स ऑफ सिनेमाटोग्राफी एंड विजुअल्स। एवरी मोमेंट इट्स इनफिनिटली कॉम्प्लेक्स, दे हैव एक्सेस टू इनफिनिट टाइम एंड स्पेस, बट दे आर नॉट बाउंड बाय एनीथिंग। इस लिस्ट पर अगली मूवी है द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। जबरदस्त परफॉर्मेंस लियोनार्डो डिकैप्रियो के साथ इस मूवी में, इनका यही मैं फैन बन गया था। इतनी शानदार फनी और बिजनेस इंस्पिरेशनल मूवीज बहुत कम बनी है आज तक, और इस मूवी में लियोनार्डो डिकैप्रियो ने जान डाल दिया है। एक अजीब बिजनेसमैन अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए, हर प्रॉब्लम्स को फनी वे में लेते हुए लाइफ को इजी बनाता है, वो है इस मूवी में। आपको एक बार तो ऐसा जरूर लगेगा कि मैं भी ऐसे हरकतें करूं। ड्रग्स, गर्ल्स, बिजनेस, लाइफस्टाइल, ड्रामा, सबका कंप्लीट पैकेज फन देती है ये मूवी। अपनी बिजी लाइफ को इस तरह एंजॉय करने के लिए आपको ये मूवी एक बार तो जरूर देखनी चाहिए यार। हमारी लिस्ट की सेकंड लास्ट मूवी है द लिटिल प्रिंस। बचपन से ही पेरेंट्स बच्चों को फ्यूचर डिसाइड कर दिए होते हैं, जहां बच्चों को वही करना पड़ता है जो उनके पेरेंट्स फ्यूचर के लिए प्लान किए हैं। लेकिन ये ब्यूटीफुल एनिमेटेड मूवी में बहुत ही प्यारे तरीके से दिखाया गया है कि अपनी लाइफ को बच्चों को भी कैसे जीना चाहिए, स्टडीज से अलग कैसे अपनी लाइफ को बच्चों को भी जीना चाहिए, ये बताती है ये मूवी। ऐसे डिफरेंट टाइप के एनिमेशन शायद ही आपने कहीं देखी होगी। स्टोरी बहुत ही ज्यादा सिंपल है, जहां एक बच्चे अपने वही रेगुलर स्केड्यूल लाइफ से तंग होकर एक अंकल जो कि उसका दोस्त बन जाता है उससे एक फिक्शनल स्टोरी जानने लगती है जो बाद में सच हो जाता है। बहुत ही अच्छे एनिमेशन और बच्चों की लाइफ में एंजॉयमेंट कितने इम्पोर्टेंट है ये मूवी आपको यही बताती है। इस वीडियो के लिस्ट की लास्ट एंड बेस्ट मूवी रिकमेंडेशन है अनब्रोकन। अगर आप इस वीडियो के इस पार्ट तक आ चुके हो तो आप एक बहुत ही अनोखी मूवी को एक्सपीरियंस करने जा रहे हो। ये मूवी मेरी पर्सनल फेवरेट है और मैं ये दावा करता हूँ कि ये मूवी से आप इतना इमोशनली कनेक्ट हो जाओगे कि आप इस मूवी को तो कभी भी नहीं भूल पाओगे। बहुत ही अंडररेटेड मूवी है ये, लेकिन इस लिस्ट की बेस्ट ऑफ द बेस्ट मूवी है ये। एक लड़के की लाइफ इतनी हार्ड होती है, लेकिन वो फिर भी उन चुनौतियों से लड़ता जाता है। वो रेसेस जीतता है और आर्मी ज्वाइन करता है, और उसके बाद उसका प्लेन जापानी टेरिटरी में क्रैश हो जाता है जब वर्ल्ड वॉर चल रही होती है। जापान में उस बंदे को इतना ज्यादा टॉर्चर करते हैं कि मूवी के आखिरी सीन देखने तक आप बहुत ज्यादा रोने लगोगे। अगर आप बहुत सख्त दिल वाले इंसान हो फिर भी आपको ये मूवी इमोशनल करेगी ही करेगी। बस मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि ये मूवी प्लीज एक ना एक बार प्लीज देखो, अंदर से जाग उठोगे। बस यही थी आज की मूवीज की लिस्ट, जो आपको अपनी लाइफ में एक बार तो देखनी ही चाहिए। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और ये बताइए कमेंट बॉक्स में आपने इनमें से कौन सी मूवी देखी है और आपको आपकी लाइफ में देखी हुई कौन सी मूवी यादगार रही है। बताओ, मुझे भी जानना है आपके यादगार मूवीज। और तो सबसे बड़ी बात, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे ऐसे ही ऑसम वीडियोस मैं आपके लिए ला सकूं। तो ठीक है यार, मैं चला फिर, बाय।